दोस्तों जो अपना जो भी का गोरिल्ला पोर्ट था अपने डीएसएलआर के लिए व्लॉगिंग के लिए वो गुम हो गया। 26 तारीख को जो डाक कार्ड वाला दिन था, जिस दिन जल हुआ था उस दिन मंदिर में रह गया। रास्ते ज्वार इस पानी में से काटनी है भाई। अगर मैं पहले ज्वार काटूंगा तो फिर मैं सारा भीग जाऊंगा और फिर काम करने मजा नहीं आएगा। तो पहले अपना काम ख़त्म कर लेते हैं जीरी वाला, उसके बाद फिर ज्वार काट के चलेंगे। तब तक क्या पता बारिश और भी आ जाए और ज़्यादा पानी में से काटनी पड़े। और ये देखो क्या हाल है यहाँ पे। पूरा पानी है क्योंकि पिछले 2-3 दिन से बारिश काफ़ी अच्छी हो रही है, तो पानी इसलिए आपको हर जगह पानी दिखेगा। ये देखो इस टाइप का घास है काफ़ी जीरी में। ये देखो इसमें से वैसे निकाल दिया मैंने, ये छूट गया सारा। ये निकालना पड़ेगा, ये काफ़ी ज़्यादा है। देखो ये भी घास है। बरसात के मौसम में का तो काम खत्म कर दिया, इस वाले जीरे में से तो निकाल दिया सारा। अब कल को इसमें देखेंगे या फिर वहाँ पे देखेंगे। चलो अभी ज्वार काट लेते हैं। मैं तो सोच रहा था कि बारिश आएगी लेकिन उसके उल्ट सूर्यदेव निकल गए हैं। गर्मी हो गई है पूरी भयंकर, पूरी देखो पूरी शर्ट गीली हो गया पसीनों में। अभी 10 मिनट का रेस्ट करके ज्वार काट लेते हैं क्योंकि आज ज्वार काटना भी एक टास्क है, पानी में से काटनी है, तो थोड़ी सी मशक्कत अपने को आज ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो 10 मिनट यहाँ छाए में रेस्ट कर लेते हैं। पानी पीना था लेकिन पानी तो यहाँ आसपास में कहीं पे है नहीं। लाइट आएगी 11 बजे के आसपास, उसके बाद ही पानी मिलेगा। तो पहले ज्वार काटेंगे 10 मिनट रेस्ट करके। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो। दस मिनट बैठे तो है ही यहाँ पे, तो अपना नीम की दांतों नहीं कर लिया आज, कभी कभार तो कर लेनी चाहिए। हर वक्त कोलगेट पेप्सोडेंट ये वो तो सब ठीक नहीं है, ये अपनी जो देसी है जो अपने बड़े बुजुर्ग करते थे, कभी कभार तो कर लेनी चाहिए। जब तक काम करो तो करो, लेकिन बैठना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि थोड़ी सी देर में इतने मच्छर काट जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो चलो अपनी घास काट लेते हैं क्योंकि यहाँ बैठ तो ज़्यादा देर सकते नहीं क्योंकि मच्छर बहुत काटते हैं। जिंदा हूँ तो जी लेने दो। अरे बरसात में पी लेने दो। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो। अरे बरसात में पी लेने दो। मुझे टुकड़ों में नहीं ज्वार वाला काम ख़त्म। और जैसे ही अपना काम ख़त्म हुआ ना सूर्यदेव भी चले गए हैं, दोबारा फिर ऐसा मौसम बन गया जैसा बारिश होगी। तो एक बार थोड़ी टाइम लैप्स लेने की कोशिश करते हैं यहाँ पे जो बादल है उनके, फिर चलते हैं। उससे पहले मैं ट्राईपैड धो लेता हूँ। ट्राईपैड में गायरा हो गई है, इतनी मिट्टी चली गई है क्योंकि थोड़ा सा रिस्क लेके पानी में मैंने इसको। कदों में तो पिया करता हूँ,
टेन से तो आ गए लेकिन बारिश आ गई है तो बीच में रुकी और मौसम अच्छा पीछे मौसम पीछे दादी की खड़ी हुए हैं और मैं यहाँ बैठ गया बरसात के मौसम में हूँ तो जी लेने दो जी लेने दो। तो दोस्तों आज क्या हुआ, मैंने अपना GoPro को चार्जिंग पे लगा दिया कि एक वीडियो बनानी थी, तो अपना जो DSLR है वो भी निकाल लिया और जैसे बैग खोला तो उसमें देखा कि अपना जो ट्राईपोड था गोरिल्ला का जो जो भी का अपने मंगाया था व्लॉगिंग के लिए स्पेशली चार तो था कोई 4400 रुपये के आसपास का था जो मैंने अमेजोन से परचेज किया था, तो वो बैग के अंदर नहीं था। तो फिर मैंने अपना दिमाग के जो घोड़े हैं उसको दड़ाया घर पे, थोड़ी सी उस चक्कर में लड़ाई झगड़ा भी हुआ कि मैंने बैग में डाला था ये पी के रखा था, तो पूरा बैग वगैरह चेक किया, सारा घर चेक किया, कहीं पे वो नहीं मिला। तो फिर मैंने चेक किया कि लास्ट मैंने कहाँ पे यूज किया था, तो अपनी जो 26 तारीख वाली वीडियो थी जो कावड़ वाली, तो लास्ट मैंने मंदिर में उसको यूज किया था। तो मैंने जो अपने साथ गए हुए थे कावड़ लेने के लिए उन सभी भाइयों से बात की, तो एक ने बोला कि आपने मैंने ना तेरे हाथ में देखा था मंदिर के अंदर, तो मैं बारिश आई हुई थी मैं से बिल्कुल भी सफ़र नहीं हुआ, मैं बारिश के अंदर ही मंदिर के अंदर पहुंच गया वहाँ पे। तो वहाँ मैंने पंडित जी से पूछा, वहाँ पंडित जी यहाँ पे ऐसे ऐसे करके अपना एक स्टैंड था मोबाइल का, उसका मोबाइल का या कैमरे का मिला, कह रहे मैंने देखा नहीं, आप कैमरे चेक कर लो। मैं कहा मेरे तो सारे कैमरे बंद थे उस टाइम जब वो गुम हुआ मेरे से, तो कह रहे नहीं ये मंदिर में कैमरे लगे हुए हैं। तो मंदिर में फिर कैमरे चेक किए, एक्चुअल में क्या हुआ जब उसने मेरे को बिंटू था जो गजेंद्र उन्होंने मेरे को जब वो कैमरा दिया ना DSLR, तो मैंने बैग में रखा तो इसको निकाल के मैंने एक बाइक पर रख दिया, पता नहीं किसकी बाइक थी, वो बाइक पर रख रहा किसी बच्चे ने छेड़ने की कोशिश भी की लेकिन आसपास ने किसी ने उसको डांट दिया होगा तो वो वहीं रखा रहा। जैसे ही वो बाइक वाला चला तो लास्ट में जो कैमरे में जो मैंने रिकॉर्डिंग देखी है तो गांव के बाहर एक लड़का खड़ा था, मंदिर के बाहर सॉरी एक लड़का खड़ा था, तो उसको पकड़ा दिया कि ये देख भाई पता नहीं किसका है, तो वो अपने घर ले गया। तो फिर जाके ये मेरे को मिला है, ये अपना गोरिल्ला बोर्ड अपने को पूरा ठीक ठाक मिल गया है, भोलेनाथ की कृपा हो गया है, अपने 4-5 हज़ार का जो नुकसान होने वाला था वो बच गया है। तो बोलो हर हर महादेव। तो आज की वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों, वैसे शहर वालों के लिए संडे एक फंडे होता है और अपने लिए संडे एक बहुत ज़्यादा काम वाला डे होता है, आज बहुत ज़्यादा काम किया घर पे और शाम को जब आने लगे जो लगभग 4 बजे के आसपास मेरे मैंने चेक किया तो उसके बाद से दिमाग ऐसे घूम रहा था कि पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मंगवाना पड़ेगा नया मंगवाना पड़ेगा, दोबारा फिर इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाएंगी, तो पता नहीं बहुत सारे क्वेश्चन थे मन के अंदर, लेकिन अंत भला तो सब भला आते आते अंत तक भोलेनाथ ने कृपा की और अपना गोरिल्ला बोर्ड मिल गया। तो दोस्तों चलो आज की वीडियो को भी एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो भाई नए हैं पहली बार चैनल पे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहो मस्त रहो और जो जिंदगी में पाना उसके लिए हार्ड वर्क करते रहो। जय हिंद जय भारत, हर हर महादेव।